भारतीय संविधान एक श्रृंखला के अंतर्गत आज हम भारत का संवैधानिक विकास को लेकर आए। पिछली क्लास में हमने भारत के संविधान की को परिभाषित किया था कि भारत का संविधान है। आज हम भारत के संविधान के डेवलपिंग पीरियड के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत का संविधान कब से कब तक बना वो कैसे डेवलप हुआ। सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास 1773 से 1947 के मध्य में डेवलप हुआ। अगर हम बात करेंगे भारत के संविधान के डेवलपिंग की वो ये पीरियड था। लेकिन किसी भी देश के संविधान का निर्माण सदैव उसके अतीत की नींव पर किया जाता है। कोई ऐसे संविधान नहीं बनता है आए बनाना शुरू कर दिया बन गया। अतीत की यानी हमारे जो बीता हुआ समय है उससे हम सीखते हैं और उसके आधार पर संविधान का निर्माण करते हैं। अतीत की नींव पर किया जाता है। अतः विद्यमान तथा जो लागू संविधान है हमारा वर्तमान का जो हमारा संविधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि तथा उसके इतिहास को जानना आवश्यक है कि वो कैसे डेवलप हुआ है। तो डेवलपिंग पीरियड है वो 1773 से लेकर 1947। इतने वर्षों में वो धीरे धीरे डेवलप हुआ है। हमारा संविधान जब डेवलप होना शुरू हुआ 1773 में तो रेगुलेटिंग एक्ट था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया और इसके बाद वो विभिन्न चरणों से होता हुआ 1947 तक पहुंचा। उसमें से कई चरण बहुत महत्वपूर्ण है जैसे 1813 का चार्टर, 1833 का चार्टर, 1853 का चार्टर और 1857 की क्रांति के बाद जो बना भारत सरकार अधिनियम, जिसमें कि ब्रिटिश सरकार ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके प्रभुत्व को खत्म किया और भारत पर शासन करना प्रारंभ किया। यहाँ के गवर्नर जनरल के पद को वायसराय का पद दिया और उस पद के लिए लॉर्ड कैनिंग की नियुक्ति की। इसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम, 1919 का मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम होता हुआ ये 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक पहुंचा। अर्थात 1773 से लेकर 1947 तक इतने वर्षों में हमारे भारत का संविधान का विकास कई चरणों में धीरे धीरे हुआ। यही कारण है कि आज का हमारा भारत का संविधान विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में बनकर तैयार हुआ है, जिसको कि मैंने अपनी पिछली क्लास में भारत के संविधान के रूप में परिभाषित किया था। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।